दोस्तों, आज है हमारा कुआलालंपुर में सेकंड डे। और अभी हम नहा धो के हो गए हैं तैयार, और अभी चलते हैं हम बाटू केव्स की तरफ। कैब हमने बुक कर दी है, नीचे आने वाली होगी। तो अभी निकलते हैं हम और मिलते हैं आपसे बाटू केव्स के रास्ते में। चलिए टडाऊ। तो भाई, ये बाटू केव्स पहुंच गए थे हम। अभी टैक्सी से उतरे हैं पीछे ही। ये रहा, बाटू केव्स का बता दूं, ये कार्तिकेयन के एकमात्र बिगेस्ट टेंपल है पूरे एशिया में। और 272 स्टेयर्स हैं यहाँ पे, जो कि चढ़ के हमें ऊपर जानी पड़ेंगी। कलरफुल स्टेयर्स। बंदरों से काफी बच के रहना है यहाँ। ग्रुप्स वगैरह भी आए हुए हैं। और यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है 272 स्टेयर्स की। रास्ते में काफ़ी बंदर मिलेंगे, तो चलिए चलते हैं अब ऊपर टेंपल की तरफ। हाफ वे डाउन। यहाँ बात दो गए, उसमें आपको सोवेनियर्स की भी शॉप मिल जाएंगी कुछ हेरी। और ये अंदर एक और टेंपल है। स्वामी थरीसानम का ये टेम्पल है यहाँ पे। ऊपर बैट्स वगैरह भी हैं काफी। और यहाँ पे हर कम्युनिटी के लोग आए हुए थे, काफी चाइनीज टूरिस्ट भी थे। और मेन जो ये टेम्पल है, ये साउथ इंडियन लोगों के लिए है, तो उनकी भी काफ़ी क्राउड थी वहाँ पे। ये बाटू केव जो है, ये पेट्रोनस टावर के बाद सबसे ज़्यादा विजिटेड प्लेस है कुआलालंपुर की, तो यहाँ तो मस्ट विजिट है एक बार। और यहाँ अंदर आके थोड़ी ठंडक है, और यहाँ पे अभी हमें थोड़े से स्टेयर्स और चढ़ने हैं। एक टेंपल और है ऊपर, ये मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे।
तो अभी हम उसकी तरफ ही जा रहे हैं, और ऊपर चल के भी दिखाता हूँ आपको और कैसा व्यू है अंदर क्या है। और जैसे ही हम अंदर आए तो यहाँ पे थोड़ा ये ओपन एरिया था, एक छोटा सा टेंपल यहाँ पे भी था, ये भी साउथ इंडियंस का ही था। और जब हम यहाँ ऊपर आए तो थोड़ी देर में ही बारिश स्टार्ट हो गई, तो हमें नीचे जाना पड़ा। और बस यही है बातू केव्स, बाकी तो और कुछ नहीं है। बाकी बारिश स्टार्ट हो गई यहाँ पे और हमें एक छत के नीचे रुकना पड़ा, सारा कैमरा वगैरह भीग जाता वरना। तो अभी हम कहीं पे यहाँ पे लंच करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई अभी बाटू केव से बाहर निकले थे हम, तो इतनी तेज़ बारिश पड़ रही थी जैसा कि आपने देख लिया। तो सामने एक रेस्टोरेंट है रानी रेस्टोरेंट करके, वहाँ पे आ गए हम। प्योर वेजिटेरियन है यहाँ पे, अगर आपको खाना है वेज खाना तो। अभी एक फ़िल्टर कॉफ़ी मंगाई है, एक डोसा मंगाया है, और एक चीज़ और क्या मंगाई है हमने, रोटी परांठा। तो जैसा भी होता है मैं आपको दिखा देता हूँ और खा के बताता हूँ कैसे, पर फिल्टर कॉफ़ी बहुत अच्छी है, फिल्टर कॉफ़ी मस्ट ट्राई। और बाकी जो भी अभी आता है मैं आपको बताता हूँ। तो भाई ये मसाला डोसा मंगाया था मैंने, ये रहा, और ये मंगाया था पराठा सब्जी है कुछ, पर इनकी लैंग्वेज में है, बता देता हूँ क्या है इनकी लैंग्वेज में, रोटी पराठा। पर हमारी लैंग्वेज में है ये पराठा और आलू की सब्जी। तो अनियन मसाला डोसा एक बार ट्राई करता हूँ। करारा तो बहुत है, बिल्कुल साउथ इंडियन टेस्ट। और एक बार ये भी खा के बता देता हूँ ये पराठा रोटी कैसा है। अगर आप लोग आओ तो डोसा और फिल्टर कॉफ़ी तो मस्त रहा है, बाकी ये लच्छा परांठा है। बेहतरीन दोनों चीज़ें, और कॉफ़ी भी। तो अभी हम ये खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। अब हम शायद पेटलिंग स्ट्रीट जाएंगे, अगर बारिश नहीं पड़ रही होगी तो मैं रास्ते में दिखा दूँगा जो भी होगा, वरना आपसे मिलते हैं पेटलिंग स्ट्रीट। भाई ये लंच करके हम बाटू केव से निकले थे, साइड में ही मेट्रो स्टेशन है, तो हमने पकड़ी यहाँ से मेट्रो पेटलिंग स्ट्रीट के लिए। बाटू केव से हर 15 मिनट में आपको मेट्रो मिल जाती है, और इसका टिकट लगा हमारा 3 रिंगिट पर पर्सन। तो आइए चलते हैं, मिलते हैं आपसे पेटलिंग स्ट्रीट पे। तो भाई ये पेटलिंग स्ट्रीट पहुँच गए थे हम, जस्ट जैसे ही यहाँ पर पहुँचे बारिश रुकी थी, वरना पूरे रास्ते काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। और ये है मर्दे का 118, जो कि सेकंड हाईएस्ट बिल्डिंग है आफ्टर बुर्ज खलीफा। तो अभी अंदर चलते हैं पेटलिंग स्ट्रीट और दिखाते हैं आपको अंदर का व्यू। और भाई पूरा ये पेटलिंग स्ट्रीट जो था पूरा चाइनीज़ फर्स्ट कॉपी से भरा हुआ था, वॉचेस, बेल्ट, कपड़े, परफ्यूम्स, सनग्लासेस, सब कुछ फर्स्ट कॉपी था। तो ज़्यादा कुछ है नहीं पेटलिंग स्ट्रीट में, अगर आपको शॉपिंग वगैरह सोविनियर्स वगैरह खरीदना है तो खरीद सकते हैं, वरना जैसे साउथ ईस्ट एशिया मार्केट होती है पूरी वैसी ही है। अगर आपको कुछ फर्स्ट कॉपी खरीदना हो तो खरीद सकते हो। बाकी मैं पेटलिंग स्ट्रीट का एक बार आपको पूरा वॉकिंग टूर भी डाल दूँगा जब पूरी मलेशिया की सीरीज ख़त्म हो जाएगी। तो अभी देखिए आप पेटलिंग स्ट्रीट।
बस यही थी पेटलिंग स्ट्रीट, और आपसे इजाज़त चाहिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टडा।